रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल और कुलाधिपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव जी, कुलपति डॉक्टर राकेश कुमार पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, अधिकारीगण, अतिथिगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर उपस्थित सभी पदक विजेताओं, शिक्षकों, अन्य सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को मेरी बहुत बहुत बधाई। आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज के इस दीक्षांत समारोह के लिए मुझे याद है कि आपके चांसलर और हमारे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी और मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी दोनों ने आकर के जब ये निमंत्रण दिया तो मेरा स्वाभाविक उत्तर था कि यदि आप हमें क्षमा करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे लिए एक धर्म संकट खड़ा होता है और वो धर्म संकट ये है कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई हैपन टू बी द विजिटर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 150 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड द इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। तो मैंने कहा कि आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका दर्जा जो है, और मुझे यदि मैं जाता हूँ तो मुझे जाने में खुशी होगी, लेकिन जो हमारे 150 इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग कभी कभी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वो कहते हैं राष्ट्रपति जी आप हमारे विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन होता है उसके लिए आप समय की पाबंदी की समय की कमी की बात करते हैं, लेकिन आप एक राज्य की राज्य विश्वविद्यालय में चले जाते हैं। तो मैंने कहा मेरा ये धर्म संकट है, लेकिन मैं फिर भी इस धर्म संकट से निपटने के लिए मेरे पास एक ही उपाय है कि आपके यहाँ के जो बच्चे हैं और जिनका टैलेंट मैंने देखा, आज जो मेरे सामने मुझे अवसर मिला केवल 11 बच्चों को गोल्ड मेडल्स देने का, मैंने उनका व्यक्तित्व देखा। व्यक्तित्व इस प्रकार का था, दे हैव गॉट अनअज्यूमिंग पर्सनालिटीज, अनअज्यूमिंग, कोई नहीं कहता। एक बेटी हमारी आई जिसको कि LLM परीक्षा के उपरांत गोल्ड मेडल मिला, तो मैंने उसको कहा बेटी मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है, और ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि मैं तो केवल LLB पास कर पाया और आपको तो गोल्ड मेडल LLM में मिला है, और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं ये सभी गोल्ड मेडलिस्ट, मुझे लगता है कि शायद 56 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैं उनके बारे में कल्पना करता हूँ कि दे आर द बेस्ट टैलेंट्स ऑफ योर स्टेट, और मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आपका स्टेट जो है इट इज़ फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि दे आर योर स्टेट हैपन्स टू बी द बिगेस्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड विद टैलेंट, और वो टैलेंट कुछ हमने बानगी देखी है। अभी जो बच्चे हमें बताया गया, मैं मैडम से बात कर रहा था कितने बच्चों को उपाधि मिलने वाली, उन्होंने कहा लगभग 3000, मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ बच्चे आए हुए हैं, स्वाभाविक है उनको आज एक डिग्री उपाधि मिल रही है, ये उनके जीवन का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दीक्षांत समारोह में जो मुझे बताया गया है कि 9 बेटे हैं और 47 बेटियां जिनको कि गोल्ड मेडल मिल रहा है। अब इसका कुछ रेशियो अगर देखा जाए ये मेल एंड फीमेल का, वो कुछ बड़ा अनअज्यूमिंग सा है कि बेटियां एक तरफा लेके जा रही 47, दिस इज द बिगेस्ट नंबर वी कैन से। और ये संख्या लगभग बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या लगभग 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना। और ये 5 गुना, इसके लिए मैं इन बेटियों को भी
अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, साथ ही विश्वविद्यालय अध्यापकों, अभिभावकों और सभी छात्रों के लिए भी ये गर्व की बात है। बेटियों के इस प्रदर्शन से जो हमारा भारत का भविष्य या जो झारखंड का भविष्य है वो झलकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इस विश्वविद्यालय के अनेक भूतपूर्व विद्यार्थियों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के एक पूर्व छात्र जिनका नाम था श्री एम वाई इकबाल, वो भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के गौरव पद तक पहुँचे। और इसी प्रकार जो झारखंड के हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो आपके सामने विराजमान हैं, श्री रघुवर दास जी, उन्होंने भी इसी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है। धरती आवा बिरसा मुंडा, वीर सुदो कान्हू, तिलका मांझी और नीलांबर पीतांबर के इस क्षेत्र में आकर संघर्ष और त्याग के उन आदर्शों की बरबस याद आती है। इस क्षेत्र में लगभग 60 वर्ष पहले रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे यहाँ के परंपरागत आदर्शों के अनुरूप झारखंड और पूरे देश के विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। इस क्षेत्र की अनेक विभूतियों ने यहाँ का सम्मान बढ़ाया है। 1971 के युद्ध में असाधारण पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले शहीद एल्बर्ट इक्का इसी क्षेत्र के सपूत थे। यहीं के जसपाल सिंह मुंडा 1928 के ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की हॉकी टीम के कप्तान थे। वे संविधान सभा के सदस्य भी रहे। महेंद्र सिंह धोनी जो मुझे कल सायंकाल एक कर्टसी काल के लिए राजभवन में मिले भी थे, मुझे अच्छा लगा है। और उनको भी मैंने कहा कि धोनी जी, यू हैव गॉट ए लो प्रोफाइल पर्सनालिटी बट पीपुल लाइक यू बिकॉज यू हैव गॉट द टैलेंट एंड दैट टैलेंट रिफ्लेक्ट द टैलेंट ऑफ झारखंड। महेंद्र सिंह धोनी ने रांची का नाम पूरे क्रिकेट जगत में रोशन किया। झारखंड की एक हमारी बेटी है दीपिका कुमारी, उस पर भी पूरे देश को गर्व है। झारखंड में देश की 40% खनिज संपदा पाई जाती है। इस राज्य में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनेक बड़े उद्योग स्थापित हैं। जमशेद जी टाटा ने पहला स्टील प्लांट इसी क्षेत्र में लगाया था। झारखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं। यहाँ उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान भी हैं। झारखंड राज्य की ऐसी अनेक विशेषताओं तथा आप जैसे युवाओं की प्रतिभा के बल पर यहाँ आधुनिक प्रगति के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। आप सबके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है तेजस्वी नावधीतम अस्तु, अर्थात हमारा अध्ययन प्रभावी बने। आप सबने जो शिक्षा प्राप्त की है उसकी सार्थकता विश्वविद्यालय से निकलने के बाद विभिन्न कार्य क्षेत्रों तथा समाज और देश के लिए आपके योगदान पर निर्भर करेगी। आज का युग अपार अवसरों और चुनौतियों से भरा हुआ है। जो युवा सजग और सक्रिय हैं उनके लिए आज की टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था ऐसे अनेक नए अवसर प्रदान करती है जो पिछली पीढ़ियों को उपलब्ध नहीं थे। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए। आप सबको इन अवसरों का भरपूर उपयोग करते हुए जॉब क्रिएटर बनना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। देवियों और सज्जनों, यह प्रसन्नता की बात है कि जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए विकास भारती विशुनपुर जैसे संस्थान इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। मुझे कल वहाँ जाना था, अपने ट्राइबल मित्रों से उनके पराक्रम को देखना था, लेकिन बैड वेदर की वजह से मेरा जाना वहाँ संभव नहीं हो सका। लेकिन मैंने राज्यपाल महोदया को कहा कि ये कार्यक्रम मेरा पेंडिंग मान करके चलिए और मैं आऊँगा और वहाँ भी जाऊँगा। इसी क्षेत्र
मैं इसी प्रकार झारखंड के कई जिलों में स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों में रामकृष्ण मिशन ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं चाहूँगा कि रांची विश्वविद्यालय और यहाँ के विद्यार्थी ऐसे प्रमुख संस्थानों से प्रेरणा लें और समावेशी विकास में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएं। इस क्षेत्र के प्रख्यात समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी जतरा टाना भगत का जन्म भी गुमला में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ अहिंसापूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया था। जैसा कि सभी जानते हैं कि टाना भक्तों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का अनुसरण किया। इस क्षेत्र की ऐसी विरासतों और मूल्यों को आगे बढ़ाना भी आप सभी का दायित्व है। बिरसा मुंडा को कौन नहीं जानता, जिनको कि हम भगवान के रूप में देखते हैं, और मुझे लगता है वो हम सब के लिए, न केवल एक समाज के एक विशेष वर्ग के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए एक हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैंने हमेशा ये महसूस किया कि प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना हम सबको आदिवासी समाज से सीखना होगा। आदिवासी संस्कृति और सभ्यता के बारे में शोध कार्य को प्रोत्साहित करके यह विश्वविद्यालय बहुआयामी योगदान दे सकता है। मुझे बताया गया है कि झारखंड की भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए आपके विश्वविद्यालय में सन 1980 में स्थापित किए गए जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में 5 जनजातीय भाषाओं कुडुख, मुंडारी, संथाली, हो एवं खड़िया की पढ़ाई होती है। आदिवासी भाषा व संस्कृति की जानकारी का उपयोग जनजातीय जीवन से जुड़ने और उस समुदाय को विकसित करने में होना चाहिए। आदिवासी बच्चों, युवाओं और बेटियों की शिक्षा और कौशल के विकास के लिए पूरे देश में 450 से अधिक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत झारखंड में ही इसी 12 सितंबर को की गई थी। सभी गरीब भाई बहनों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं की शुरुआत झारखंड से हुई। आयुष्मान भारत, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ भी आपके प्रदेश झारखंड से ही हुआ था। देश के करोड़ों किसानों को पेंशन देने की किसान मानधन योजना इसी महीने झारखंड में ही शुरू हुई। स्वरोजगार में लगे देश के करोड़ों भाई बहनों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का शुभारंभ भी झारखंड से हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि समावेशी विकास और कल्याण की इन योजनाओं को निरंतर आगे बढ़ाने में राज्य सरकार द्वारा प्रभावी प्रयास किए जाते रहेंगे। संवेदनशील और समावेशी विकास के कार्यक्रमों के साथ साथ झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी तेजी से हो रहा है। नेशनल वाटरवे 1 के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल के बन जाने से झारखंड के विकास को एक नई गति प्राप्त होगी। मैं चाहूँगा कि आप सभी युवा फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में हो रहे विकास का उपयोग करने के लिए तत्पर रहें। प्यारे विद्यार्थियों, 2 दिन बाद यानी 2 अक्टूबर को सभी भारतवासी तथा विश्व समुदाय के अनेक लोग हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे। गांधी जी ने रांची और आसपास के क्षेत्र की अनेक यात्राएं की थी। सन 1925 में उन्होंने हजारीबाग के सेंट कोलंबस कॉलेज के प्रांगण में इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को संबोधित किया था। उनका वो भाषण आज के आप सभी विद्यार्थियों के लिए उतना ही प्रासंगिक है। गांधी जी ने विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा पर बल दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि समाज सेवा के लिए सबसे पहली जरूरत है चरित्र बल की। मैं मानता हूं कि जब आप सब अपने समाज और देश के प्रति संवेदनशील रहेंगे तो आप सहज ही समाज कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे सामने सभी प्रतिभाशाली और स्वस्थ युवा बैठे हुए हैं। मैं एक जानकारी बहुत पुरानी है लेकिन फिर भी मैं उसके महत्व को समझते हुए दोहराना चाहता हूँ। आज हमारे छात्रगण
आधुनिक व्यसन, उससे आप सभी परिचित होंगे, और उस व्यसन का नाम है ई सिगरेट। मुझे प्रसन्नता है कि जब इस पर प्रतिबंध लगा तो आपके राज्य ने इसमें पहल की। इसके लिए मैं राज्य सरकार एवं यहां की जनता को बधाई देता हूं। आप जानते हैं कि WHO की एडवाइजरी पर अप्रैल 2019 में झारखंड ने एवं सितंबर 2019 में देश ने ई सिगरेट आदि को बैन कर दिया। इसके शिकार अक्सर युवा वर्गीय होते हैं। ई सिगरेट हानिकारक है। इसको बनाना, बेचना, इस्तेमाल करना, स्टोर करना और विज्ञापन देना अपराध घोषित किया गया। ई सिगरेट भी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। कई देश और भारत में करीब 16 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी इस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। मुझे लगता है कि आप इसके प्रभाव में नहीं आएंगे। आपको अपनी हेल्थ और पढ़ाई पर ध्यान देते रहना है, जिससे उज्जवल भारत का और झारखंड का विकास संभव हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, इस वर्ष गांधी जयंती के दिन हम सब स्वच्छ भारत मिशन के संकल्प को सिद्ध करने का उत्सव भी मनाएंगे। इस सफलता में झारखंड ने प्रभावी योगदान दिया। 2 अक्टूबर 2014 को झारखंड में ODF कवरेज केवल 16% के करीब था। मैं प्रतिशत से नाप रहा हूँ, यह आज 100% हो गया है। इस सफलता सहित ऐसी अनेक उपलब्धियों के लिए राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास, झारखंड राज्य सरकार की पूरी टीम और राज्य के सभी नागरिकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। पूरे देश में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR की चर्चा होती है। मैंने जून 2018 में आयोजित दिल्ली में राज्यपाल सम्मेलन में यह अनुरोध किया था कि विश्वविद्यालयों को भी यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी USR के लिए योगदान देना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय से लगभग 2 माह के अंतराल पर कम से कम 5 छात्र/छात्राएँ गाँव में जाएं और यदि संभव हो सके तो वहाँ रात्रि में रुकें और गांव वालों के साथ बैठकर चर्चा करें। वे गांव की साफ सफाई, संपूर्ण साक्षरता, सभी बच्चों के टीकाकरण तथा न्यूट्रिशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों के साथ संवाद बनाएं। साथ ही केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी ग्रामवासियों को जानकारी प्रदान करें। मैं रांची विश्वविद्यालय प्रशासन से भी USR पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दूंगा। मैं जानता हूं कि जहां पर मैं जाता हूं, मेरे कारण जो ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगाया जाता है उसके कारण जनता को बहुत असुविधा होती है, और इसलिए मैं जाते जाते मैं उस असुविधा के लिए मैं खेद भी व्यक्त करता हूं। मैं आज भी आप मीडिया के माध्यम से रांची के लोगों से मैं खेद व्यक्त करना चाहूँगा, लेकिन ये एक हमारी मजबूरी है। आपने देखा होगा कि मैं जा करके कहीं बिना आवश्यक कार्य के मैं किसी भी शहर में मूवमेंट नहीं करता, और वो मेरी एक छोटी सी संवेदनशीलता की झलक देता है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा का भरपूर उपयोग आप सब अपने विकास और देश की प्रगति के लिए करेंगे। मेरी शुभकामना और आशीर्वाद है कि आप सभी सफलता के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। अब राजधुन के लिए